अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। मेरा नाम है आमना और मैं कुछ ड्रामों के नाम लूंगी, आप लोग खुद गेस कर लेंगे कि आज मेरे साथ कौन है। ऐसे हिट सीरियल्स जैसे कि अकबरी अस्करी, बिल्किस कौर जैसा मैग्निफिसेंट सीरियल, ऑन जारा, दिल लगी, बाबा जानी, आजकल चलने वाला प्रेम गली, खत्म होने वाला बंदे एक डोर से, जिसकी बहुत बात हो रही है, बहुत चर्चा है आजकल, पहली सी मोहब्बत, एंड दी अवार्ड विनिंग रांझा रांझा करती। आप सब समझ गए होंगे इनके पीछे जिनका हाथ है लिटरली, फायजा इफ्तखार। फायजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत देर से मेरी मेरी दिल लगी थी कि मैं आपसे बात करती और ऑन रिकॉर्ड हमारी बात होती और हम डिस्कस करते कि ड्रामों में क्या लिखा जा रहा है, किस तरह जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, क्या जो लिखा जाता है वो स्क्रीन तक पहुंच पाता है या लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है। बहुत सी बातें आपके साथ करनी है आज। जी जरूर जरूर कीजिए। कहाँ से मैं शुरू करूं? पहली बात तो ये है कि आपका, आई जस्ट वॉन्ट टू गो स्ट्रेट टू इट, पहली सी मोहब्बत की पहली किस। जी पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फेरी टेल देख रही हूँ जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत हीरो हीरोइन के बीच की लव स्टोरी है और ये कहाँ शुरू हुई, कहाँ जाएगी। क्या आपने इसको फेरी टेल की तरह ही लिखा है? नहीं आमना, ऐसा नहीं है। शायद पहली किस्त से लोगों को लगा हो, लेकिन इसमें बहुत तल्ख हकीकतें हैं। और बात यह है कि लव स्टोरी बजाते खुद कोई कहानी नहीं होती। हम कोई बात कहने के लिए एक चीज का सहारा लेते हैं, चाहे वो हम लव स्टोरी को चुने या हम कोई घरेलू बात हमने कोई और करनी होती है। हम सिर्फ ये चीज करते हैं, हमें वो बात किस अंदाज में कहनी है। तो ये बात जो मैंने कहनी थी, उसके कहने के लिए मैंने लव स्टोरी को चुना कि मैं एक मोहब्बत की कहानी के जरिए वो बात पहुंचाऊं लोगों तक, और असल कहानी कुछ और है। मैंने अच्छा। प्रेम गली कंप्लीट करने के 1 साल बाद ये शुरू किया है। तो उस 1 साल के दौरान जाहिर है कि बहुत से आइडियाज आए, बहुत सी चीजें लिखनी शुरू भी की, कोई एक किस्त लिखी, कोई दो, बहुत सी डिस्कशंस चली। तो अगर 1 साल के इंतजार के बाद मैं कोई कहानी लिखती हूँ तो वो उतनी टिपिकल तो नहीं होगी जितनी लोग पहले से ही अंदाजे लगा रहे हैं। और अगर शहरयार और माया भी 5-7 साल के बाद कमबैक करते हैं तो यकीन उन्होंने कुछ देख के किया होगा। एजस्ट वाई अपना डेब्यू किसी चीज से करना चाहते हैं तो वो रोल नहीं है जो आपको पहली किस्त में नजर आया कि एक बड़ा भाई है और जो शादी नहीं करवाने और ऐसा। तब इसमें अभी बहुत कुछ आगे आएगा और बिल्कुल फैंटेसी नहीं है। हाँ, मोहब्बत शुरू होना एक फैंटेसी ही है, और उस एज में जो हमने दिखाई है इसलिए शायद वो थोड़ा सा लोगों को उसमें लगा कि फिल्मी टच है, ओवर ड्रामेटिक है। अवल तो ड्रामा ड्रामेटिक ही होता है, अच्छा। ड्रामे में गुंजाइश है ड्रामेटिक। अगर ड्रामेटिक नहीं होगा तो ड्रामा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री कहलाएगा। तो लेकिन ये बहुत तल्ख हकीकतों पर है, लोग आम लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। हर घर की, आप उसे नाम से अंदाजा लगा लीजिए, हमने असलम की बजाय अरमान, सुल्तान कुछ रख सकते थे। मैंने तो नाम तक अक्रम, असलम वो रखे हैं जो आम लोगों के नाम है, जो हर गली में एक ना एक असलम, बुशरा, नाम तक मैंने आम रखे हैं। तो कहानी भी आम ही है, आम लोगों रक्षी की। थोड़ा आम नहीं है। अच्छा, यानी रक्षी इसका निकनेम है जो हम आगे बताएंगे उसका नाम रिवील क्या करेंगे। राइट राइट, है। बिल्कुल सही है। बहुत लोगों ने कहा कि थोड़ा अनरियल है, ऐसे कौन से मोहल्ले होते हैं और ऐसे कौन पथराव करता है इतने बड़े बड़े बोल्डर्स। तो मेरा सवाल ये है कि एज अ राइटर, क्या आपकी जो आपने स्क्रिप्ट लिखा होता है या जो आपकी सोच होती है वो प्रॉपरली ट्रांसलेट होती है स्क्रीन पे, या कई दफा आप देख के आपको लगता है कि यार मैंने ऐसे नहीं लिखा था, ये डायरेक्टर कहीं और किसी और डायरेक्शन में ले गया है? ऐसा होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ये वही था जो मैंने लिखा। और हमारे जैसे की आदत है, बल्कि ये सबकी है, शायद मुझ में भी हो, हम पहली जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उससे सवाल पैदा होते हैं, सबके दिलों में होते हैं। फिल्म देखते हुए, फिल्म का ये है कि अगर आपके दिल में कोई सवाल पैदा हुआ है तो इंटरवल के बाद आपको उसका जवाब मिल जाता है। जी सीरियल में जवाब जो आपके बिल्कुल। जहन में होते हैं आपको एक हफ्ता वेट करना पड़ता है। पत्थर क्यों पड़े वो आ जाएगा आपको अगली एपिसोड में आ जाएगा कि वो वजह बाज़ोकात ही होती है, हमें किसी पे पुरानी तप होती है और वो निकालने का हमें बहाना मिल जाता है। समझ रही ना, बात कोई और होती है और हम उसको कुछ इशू। और जहां तक ये कि ऐसे मोहल्ले कहाँ होते हैं,
तो हमने होता ये है कि जिस चीज का हमें एक्सपीरियंस नहीं होता हमें लगता है वो दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल होती है, अब हमें नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बिल्डिंग में 15-16 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, कोई एक बच्चा किडनैप होता है और बाकी पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे तो उसी रास्ते से आते हैं, कभी उनके साथ कुछ मिसहैप नहीं हुआ। आप एक रोड से 15-18 सालों से आ रहे हैं जा रहे हैं और उसी पर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी एक के साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी अनहोनी का नाम है, अनहोनी। हम 100 में से बल्कि कभी कभी 1000 में से किसी एक के साथ जो एक मुनफरिद वाकया हुआ था उसको अपनी कहानी बनाते हैं। जो सबके साथ होता बिल्कुल, है बिल्कुल, वो कहानी अमूमन नहीं होती। बिल्कुल, ये है बाकी लोगों की मेंटेलिटी ऐसी क्यों नहीं है या क्यों नहीं है। तो अव्वल तो हमने बड़ा शहर नहीं दिखाया, छोटा शहर, छोटा उसका कस्बा। मैं आपको जी, बड़े शहर का एक किस्सा सुनाती हूँ कि मैं लाहौर में होती हूँ और मैं अपनी एक राइटर फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पे जा रही थी। तो मेरा पासपोर्ट देख के वहाँ इमिग्रेशन पे एयरपोर्ट पर, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और बहुत सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो उन्होंने देखकर कहा आपके तो ज्यादातर अकेली आती जाती है, बड़ी अय्याश खातून है आप। ओह गॉड, ये अय्याश का वक्त ओह आपको, मैं शॉक में रह गई थी। उस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकी थी और मैं, मुझे ये लगा कि आप लाहौर एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन की सीट पे बैठा एक ऑफिसर जो यकीनन पढ़ा लिखा होगा, तो पोस्ट तक आया, अगर वो फाड़ के सिर्फ एक अकेले ट्रैवल करने वाली औरत को ये कह सकता है, तो आप अंदाजा लगा लें कि अकेले रहने वाली औरत की यहाँ का मिसाल है। बड़े शहरों में भी अभी भी कोई सिंगल मदर है तो उसको आप रेंट पर पोर्शन नहीं मिलता। बिल्कुल, ये ऐसा मसाइल ऐसा है बिल्कुल दुरुस्त है जी जी और अगर बाकी आप यही बताओ जो इमिग्रेशन वाली स्टोरी अगर आप लिखें तो लोग कहें ऐसे कौन पूछता है इमिग्रेशन पे, जी, लेकिन मेरी आपके साथ राइटर हुआ दोस्त मेरे ऐसा साथ थी, जी वो बिल्कुल मेरे जी साथ थी, वो हम दोनों थे तो हम दोनों इतने यानी हम रिएक्ट भी नहीं कर सके उस बात पर काफी देर। वो बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि उसको पकड़ कर कुछ कहना जी चाहिए था हमें, जी लेकिन वो इतनी अनएक्सपेक्टेड बात थी। तो बाकी पथराव यकीनन लोगों को वो जरूरत से ज्यादा लगा, लेकिन उसकी है आगे हमने एक्सप्लेन कर दिया है कर दिया है कि उसकी वजह सिर्फ वो नहीं थी। जी। क्या आप एक औरत आपको बोले क्या लगता है फायजा, के लोग वो देखना चाहते हैं जिससे वो रिलेट कर सके, या लोग अनहोनी देखना चाहते हैं जिसमें उनको कोई फैंटेसी मिले? मतलब इस पर बहुत आजकल डिबेट हो रही है कि पब्लिक देखना क्या चाहती है। सोशल मैसेजेस बहुत ज्यादा आ गए हैं ड्रामों में, तो लोग क्या देखना चाहते हैं? चार लोग भी इकट्ठे हो ना, चार की राय एक नहीं होती। तो लोग से मुराद है एक पूरा, पूरी आवाम, पूरी एक जी, और छोटी आधे आवाम लोग नहीं जी। तो जहाँ आप देखें घर में भी बहुत से लोगों की, सबके लोगों की राय एक जैसी नहीं होती, एक बिल्कुल जैसी पसंद बिल्कुल नहीं होती। आप जी, छोटा सा मामला है, आपको कुछ पकाना है तो आपको 10 राय मिल जाएगी कि ये बनाए वो बनाए। बिल्कुल तो बिल्कुल ड्रामे में कुछ लोग कुछ देखना चाहते हैं और हम राइटर्स इसमें फंसते हैं कि मैंने दोनों चीजें लिखी, प्रेम गली में होनी है और रांझा रांझा कर्दी में अनहोनी है, यानी हर किसी के साथ वो वाकयात नहीं होते जो नूरी के बिल्कुल साथ गुजरे। बिल्कुल लेकिन प्रेम गली वो कहानी है या आंगन वो कहानी थी जो 90% लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हर एक के घर में एक सज्जाद भाई जैसा आदमी होता है, हर एक के घर में एक कबीर खान जैसा दादा होता है, सबको सबके मसाइल थे। तो जब हम वो दिखाते हैं तो लोग कहते हैं इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, यानी कुछ धमाकेदार नहीं है, कुछ कोई, झंझोड़ने हाँ वाला कोई नहीं है। बिग बैंग नहीं है। और हाँ वो एक ग्रुप ये कहता है और बिल्कुल एक ग्रुप अनहोनी पर कहता है ऐसा तो नहीं होता, ऐसे कौन लड़की करती है। बिल्कुल तो ये सही तो है। राय, मुख्तलिफ राय तो हमेशा चलती है, ये तो दुनिया है, ये तो कभी नहीं बदल सकता, आपको लगता है हमेशा कि लोग बहुत रहेगा। क्रिटिकल हो गए हैं और हर बात पे नोक झोंक करते हैं, और हर बात पे, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो अनहोनी है हमारा तो ये मजाज है, अनबिलीवेबल है। वो हमारा मजाज है आमना, और मेरे ख्याल है कि उस पर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। वो हर कौम का एक मिजाज होता है, ये हमारा है और रहेगा। अगर इसको पॉजिटिव वे में लें तो मुझे खुशी होती है कि लोग इतना असर लेते हैं ड्रामों का, और अगर कोई काबिले एतराज बात है तो उसका नोटिस लेते हैं, वो आते हैं करने। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती है कि जितने लोग ये कमेंट करने आते हैं कि ऐसी कोई अच्छी चीज लिखें, बहुत आम सी कहानियां हैं, उस आम सी कहानियों को व्यूज देते हैं। जी आप बिल्कुल समझ रहे बिल्कुल, हैं एब्सोल्युटली। और एक सबसे बड़ी मिसाल इसकी बंदे एक डोर से, जी बहुत फॉलोइंग उसकी, बहुत लोगों ने देखा,
बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी शुरू हुई थी फैमिली वैल्यूज के साथ और कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, मगर वो चलते 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 कुछ मेयर हसन जैसे कहते हैं ना कि 15 एपिसोड कर्स है हमारे ड्रामा पे, कि 15 वो बहुत क्रिस्प और फास्ट मूविंग होती है और उसके बाद ड्रामा जो है वो च्युइंगम की तरह खिंचना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, मैं नहीं मानती कि आप जैसा राइटर जो ऐसे क्रिस्प लिखता है और जबरदस्त लिखाई है वो आखिर में आके रैप अप नहीं कर पाता। मेरे जैसा राइटर हो या कोई भी हो, देखिए अगर तो वो वाकई राइटर है, जेन्युइन राइटर, तो वो कभी भी एक जैसा अच्छा नहीं लिख सकता। जेन्युइन राइटर कभी भी मुसलसल अच्छा नहीं लिखता। आमना कोई भी आर्टिस्ट, सिर्फ राइटर नहीं, उसके काम में आता है क्योंकि उसका मूड उसके काम पे असरअंदाज होता है। बिल्कुल। मैं किसी बैंक में जॉब करती थी 9 to 5, तो मुझे सिर्फ फाइल्स देखनी है, ऑडिट देखना है, तो मैं उसको ड्यूटी समझ के करती, लेकिन क्रिएटिविटी मूड से होती है, आप एक फेज में होते हैं तो मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि मैं भी हर बार अच्छा नहीं लिखती, बल्कि शायद यूं कहना चाहिए कभी कभी अच्छा लिखती हूँ एक डेढ़ दो सालों में जब मैं लिखने के मूड में होती हूँ। जहां तक बंदे एक डोर से ताल्लुक है, मैंने इसकी 26 लिखी थी और वो 37 या 36 आई थी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं इसकी 26 एपिसोड ही रहती तो तब भी शायद आपको ड्रैग लगता। बहुत आसान होता है कि आप क्रिटिसाइज होने पर डायरेक्टर के सर पे डाल दें या चैनल के, बहुत आसान काम है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि 26 किस्तें भी शायद आपको ड्रैग लगती। मेरे ख्याल है फायजा आप बहुत जेनरस हो रही हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि क्योंकि उसमें, हाँ मैं उसमें कसूर जरूर चैनल्स का करूंगी। जी हम पे प्रेशर होता है 30 एपिसोड्स करने का, हर कहानी 30 एपिसोड नहीं तक नहीं चल सकती। जी जी मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने 18-17 भी लिखी, रोग 17 एपिसोड का था, बिल्की स्कोर 18 एपिसोड का था, ओन जारा 19 का था, एक नई सिंड्रेला 19 एपिसोड का था, तो हम पे प्रेशर नहीं होता था। जहां तक कहानी हमें ले जाती थी हाथ पकड़कर हम जाते थे, जहां कहानी खत्म होने लगती थी हम बंद कर देते थे। अब अगर 15 एपिसोड के बाद मैं डर जाती हूँ कि क्लाइमेक्स के नजदीक आ गई हूँ तो मैं रुकती हूँ, अब क्या होगा। तो उसमें चैनल्स का तो प्रेशर है ही, लेकिन शायद किसी हद तक हमारा भी होता है। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, मेरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर सब गवाह हैं इस बात के कि मैंने पिछले कई सालों में कितनी सीरियल्स 2-2, 3-3 एपिसोड्स के बाद छोड़ दी। अच्छा, ये सोचकर क्या क्या मतलब लिखनी छोड़ दी? जी मुझे लगा कि ये कहानी आगे नहीं जा सकती, ये अच्छा। इसमें इतनी जान नहीं। ये पहली सी मोहब्बत के लिए मैंने आई ड्रीम्स को एक और सीरियल लिख रही थी। फर्स्ट एपिसोड गई, वो सेकंड एपिसोड का वेट कर रहे थे और सेकंड एपिसोड मैंने हाफ लिखकर उनको मैसेज किया कि ये 15 किस्तों की कहानी है, अगर आप इसमें मुझे 30 चाहते हैं या 25 भी चाहते हैं तो ये बहुत बुरी बनेगी। तो मुझे एक हफ्ते का टाइम दे, मैं किसी और कहानी के साथ आती हूँ, सिग्मा के साथ ही। पिछले एक साल में मैंने 2-3 चीजें शुरू की, खत्म की लिखने, कुछ लिखने से पहले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत देर से ये एहसास होता है, सीरियल प्लानिंग में जा चुका होता है, जी प्लेट्स आ चुकी होती है 8 फिर हम फंस जाते हैं। वहां राइटर का भी कसूर होता है, लेकिन शायद इतना नहीं होता क्योंकि सबके साथ होता है। हम लोग आप कोई चीज, कोई भी काम बहुत शौक से शुरू करते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा जाएगा, या आप कुछ प्लानिंग बड़ी देर से कर रहे हैं किसी जगह जाने की, जब आप वहां जाते हैं आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जाने के बाद। बिल्कुल, सभी इसमें कसूरवार है। चैनल्स का है कि उन्हें एपिसोड्स 30 तक तो मस्त चाहिए और ज्यादा अच्छा। हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है उनकी। और हमारा कसूर यह है कि हमें कभी कभी 6-8 एपिसोड्स के बाद अंदाजा होता है, जो कि बहुत कम होता है मेरे साथ। मुझे 1-2 में पता चल जाता है कि ये कहानी नहीं है, एज अ राइटर फायदा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने आप से? फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान नौकरी के लिए निकलता है, उसको एक स्टेडी तनख्वाह मिलती है, उसको पता है कि मेरी इतनी कमाई है, उसको पता है कि मुझे यहाँ से पॉपुलैरिटी मिलेगी, या मैं फेम के लिए कर रहा हूँ या पैशन के लिए कर रहा हूँ। तो एक हमारे मुल्क में राइटर जो है उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट क्या है अपने जॉब से? डू यू सी दिस एज अ जॉब और एज अ पैशन, और बाय डिफॉल्ट एक चीज हो गई है? एक
एक टाइम तक होता है पैशन, जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया, आप हैरान होंगी कि मैं एक साल में 7 से 8 भी मैंने लिखे हैं सीरियल शुरू के कुछ था। और जितनी वैरायटी उस जमाने में थी मेरे पास टॉपिक्स की और करेक्टर्स की, शायद अब ना हो, इसलिए मैं अब कम लिखती हूँ। एक साल में एक लिखती हूँ, या बहुत हुआ तो दूसरा शुरू कर दिया, या कभी तो वो पैशन आपका 2-3 साल बाद रह जाता है, फिर वो आप क्या एक काम बन जाता है, लेकिन उतना शायद नहीं रहता। जैसे मैं एक सीरियल के, मैंने आपको बताया मैंने एक साल का गैप लिया, मैंने प्रेम गली भी जब अभी भी मैंने सितंबर में खत्म किया है, पहली सी मोहब्बत, अभी तक मैंने कुछ नया शुरू नहीं किया। काम तो आपका हो जाता है, बन जाता है, फिर एक जॉब की तरह आप इसको लेते हैं। और मेरा ख्याल है मुख्तलिफ लोगों का इसमें मुख्तलिफ होगा, कुछ इसको कुछ की मजबूरी बन जाता है, कुछ का शौक होता है, कुछ नाम के लिए करते हैं, सबका अपना अपना अलग है। किसी को नाम चाहिए, मुझे शायद आज से 4-5 साल पहले अपना नाम देखकर या शोहरत से बहुत खुशी मिलती होगी, अब इतना कुछ नहीं होता। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि राइटर्स जो हैं वो शायद थोड़े अंडर अप्रिशिएटेड होते हैं? अब तो वैसे अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन आपको लगता है जैसे कि पहले कास्ट होती है, फिर मुश्किल से डायरेक्टर का नाम आता है, फिर राइटर को कोई किसी को पता ही नहीं होता, और कामना, राइटर को तो इतनी अहमियत दी जाती है कि अगर किसी ड्रामे की बुराई करनी हो तो पहले राइटर का नाम लिया जाता है तो बहुत ज्यादा हमें तो टॉप पे रखा जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है डायरेक्टर्स, मैं अपना अगर पर्सनल, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर्सनल बताऊं तो मैं आज की बात नहीं कर रही, आज की करूंगी तो लोग कहेंगे चूंकि आपका एक नाम है, आप एक सीनियर राइटर है। मैं जब नई थी तब भी मेरे साथ काम करने वाले डायरेक्टर्स बहुत सीनियर थे और बहुत सक्सेसफुल थे, मैं बिल्कुल आपने जी तब, उन्होंने तब भी मुझे बहुत मान दिया, बहुत इसको कहना चाहिए हौसला अफजाई की, हमेशा मेरे स्क्रिप्ट को सराहा, तारीफ ही की मेरे सीनियर्स ने, चाहे वो डायरेक्टर्स हो प्रोड्यूसर्स हो। तो अगर वो मेरे साथ करते तो मुझ में कोई ऐसा तो सुरखाब का पर नहीं लगा था, सभी के साथ करते होंगे। जी जी जी, ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट उनके हाथ में जाए तो आप कहेंगी ओ माय गॉड, मेरी तो ड्रीम पूरी, अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा ये ड्रामा ये डायरेक्टर कर रहे हैं। वो हो चुका। जब मैंने अपना पहला टेलीफिल्म लिखी थी तब मेरा कोई और काम नहीं, फर्स्ट जो टीवी पर चीज आई थी वो एक टेलीफिल्म थी, और टीवी बहुत देखती थी, इतना लोगों को जानती नहीं थी, तो मैंने पूछा कौन है डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा मजहर मोइन। मैंने कहा कौन सा उनका काम आया, तो उन्होंने कहा ये अभी अभी इसी हफ्ते चला है ना बंस रोड की नीलोफर। तो मैं तो एक तो उनके नाम से, क्योंकि उन्हीं दिनों एक तो बंस रोड की नीलोफर ने एक तबाही मचा दी थी, और बड़े शहर की तन्हा औरत भी उसमें आया था, और दूसरा वो दोनों स्क्रिप्ट थे फसी बारी के। तो मैं एक बड़ी डर सी गई थी, मुझे लगा जो डायरेक्टर फसी बारी के स्क्रिप्ट करता है उसको मेरा स्क्रिप्ट क्या उसके मयार पे पूरा उतरेगा, और जिसने इतनी दो शाहकार है, तो ये था। और दूसरा पहला सीरियल जो मुझे करने को मिला वो बाबर जावेद का था। बाबर जावेद उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम थे, और मैं मेरे क्रेडिट पे दो टेलीफिल्म्स थी और उनके क्रेडिट पे बेतहाशा सीरियल्स थे, तो उसमें भी मैं एक, जैसे आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और मैंने यहाँ तक सोचा था कि मैं प्रोड्यूसर से ये कहूंगी कि कोई और डायरेक्टर इतने बड़े, मुझे ये था कि इतने बड़े डायरेक्टर हैं राइटर्स के किए तो वो तो बहुत नुक्ते निकालेंगे और कहेंगे ये भी ठीक नहीं है वो भी, तो मैंने सोचा मैं नहीं हूँ तो मुझे नया डायरेक्टर मिलना चाहिए। तो लेकिन तो जो दो ख्वाहिशें थी कि इस डायरेक्टर के हाथ में जाए उसका, वो पूरी हो गई। और उसके बाद भी हुआ, जैसे एक नई सिंड्रेला जब मैंने करना था तो तब मेरी ख्वाहिश थी कि यह हाइसम करें, हाइसम के साथ भी आपने काम किया है, दिल लगी आपने नदीम बेग के साथ किया जी, तो और मतलब ये तो पहले से ही तय था ना, जैसे दिल लगी जब करना था तो नदीम बेग ही आए कि आप ये कोई कहानी है लव स्टोरी, तो पहले से तय था। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैंने ये ख्वाहिश की कि फलां करे, तो वो दो केसेस में हुआ था, एक तो एक नई सिंड्रेला के लिए कि ये हाइसम करें, और दूसरा रांझा रांझा के लिए कि ये काशिफ ही करें। जिद थी, ख्वाहिश नहीं थी उस वक्त, मैं स्टेज पर थी कि मैं ये शर्त रख सकूं कि ये सिर्फ काशिफ करेंगे वरना ये नहीं कोई। और क्या काम किया आप दोनों ने मिलके, मतलब मेरे ख्याल है कि हिस्टोरिकल ड्रामों में से एक होगा, माना जाएगा राजा राजा कर दी, इतनी खूबसूरती से वो लिखा गया था और इतनी खूबसूरती से उसको परफॉर्म किया गया और डायरेक्ट किया गया, वो तो मेरे ख्याल है फ्लॉलेस सही था बिल्कुल।
फायदा आपको लगता है कि राइटर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी हमारी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है कि एक राइटर है, उसके जहन में जो भी आइडिया है उसका पूरा हक बनता है कि वो उसके बारे में लिखे और दे कॉम को. फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ऐसा ड्रामा चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक एक आदमी है जिसपे फॉल्स सेक्शुअल हरासमेंट का निशान, मतलब इल्जाम लगा है, और बहुत लोगों ने कहा कि जहाँ इतनी औरतें हरास हो रही हैं वहां उस एक मर्द की कहानी लिखने का क्या तुक है? आप अवाम को ये बता रहे हैं कि औरतें झूठ भी बोल सकती, मगर ये होता तो है. तो आपको क्या लगता है कि एक राइटर का हक है जो मर्जी लिखे, या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पूरा हक है, पूरा हक है कि वो जो मर्जी लिखे, बस उसे एक लाइन खींचनी है कि वो कहीं बायस ना नजर आए. वो किसी, अगर वो कोई बुरा कैरेक्टर पेश कर रहा है, कोई बुरा वाकया मुआशरे में होने वाले तो उसकी साइड लेता नजर ना आए. कहीं भी राइटर किसी भी कैरेक्टर में, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर ही क्यों ना हो, उसने वो राइटर खुद नहीं बोलना चाहिए. अच्छा, राइटर का अपना बायस सामने ना आए. आप एक मुआशरे की तस्वीर, दोनों पहलू दिखाएं, एक तरफ अच्छा पहलू, एक तरफ बुरा पहलू, और लोगों को डिसाइड करने दें उन्हें क्या चुनना है. अब लोग वो चीज चुनेंगे जो आप कम अट्रैक्टिव बनाकर पेश करेंगे. अगर आपने बुराई को अट्रैक्टिव बनाकर, बुराई पेश कीजिए, उसको अट्रैक्टिव मत बनाइए. आप एक रेपिस्ट दिखाइए, उसको हीरो मत बनाइए. आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल. दिखा सकती है आप, अगर आप उसको ग्लोरीफाई कर देंगे तो फिर आप गलत. टॉपिक पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी टॉपिक पर बनाए. बस आपने एक लाइन खींचनी है कि आपने इस लाइन से आगे नहीं जाना. अगर जैसे मैंने एक सोचा हुआ है कि अगर तो मेरे किसी ड्रामे में वो शक नहीं करेगा औरत पे, चाहे वो औरत कोई भी हो, बीवी हो, माँ हो, बहन हो, अगर वो शक करेगा तो उस वक्त मेरा हीरो नहीं रहेगा, उस हीरो की मौत हो जाएगी. राइट राइट. फिर वो हीरो नहीं होगा, फिर वो हीरो से नीचे उतर जाएगा अगर वो कभी शक करेगा. ये मैंने एक लाइन अपने ये बनाई हुई है कि कहीं शक करेगा अगर स्टोरी की डिमांड होगी, फिर मैं उसे हीरो नहीं रहने दूंगी. मुझे उम्मीद है आपने अपने हीरो के लिए भी लाइन ड्रॉ की होगी कि वो अपनी हीरोइन को थप्पड़ नहीं मारेगा, ऐसा है कुछ? हाँ, वो तो है. शुरू से मैंने एक केस में किया था दिल लगी में, लेकिन वो थप्पड़ ऐसा ही था जैसे किसी बंदे को आप होश में दिलाने के लिए. अगर आपको याद हो, और वो थप्पड़ बड़ा इशू था. और वो कहती है कि मैं भी इसको, जब तुम माँ, मेरे ख्याल है उसकी कहती है हुमायूं सेठ की, जो सबा हमीद का कैरेक्टर था, उन्होंने कहा कि तुम भी इसको मारो और फिर घर में वापस आओ. तो वो थप्पड़ ऐसा नहीं था कि इन द पासिंग कैजुअली. जी बिल्कुल. और मैं बहुत डिसहार्ट हुई थी उस बात, क्योंकि वो आया था फ्रीज पर. जिस एपिसोड में वो थप्पड़ था वो फ्रीज था, और उस एपिसोड की रेटिंग बड़ी आई थी. तो मैंने तो देखिए स्टेटस पे अफसोस का इजहार किया था कि मुझे अफसोस है कि सबसे ज्यादा रेटिंग उस एपिसोड की आई है जिसके फ्रीज में ये थप्पड़ है. क्या आप ये देख रहे हैं? हाँ, अगले एपिसोड में वो बताएंगे कि थप्पड़ ये ऐसा था जैसे आप कोई आग में गिर रहा है या कुएं में कूदने वाला, आप उसको होश में दिलाने के लिए एक थप्पड़ मारते हैं कि ये मत करो. किसी को होश दिलाने के लिए, कोई पागल हो रहा है या ऐसे, वो उसका मकसद इंसल्ट, क्योंकि थप्पड़ बजाते खुद क्या है, इंसल्ट. इंसल्ट है जी, इंसल्ट. तो वो अगर उसकी नीयत इंसल्ट की नहीं थी तो वो थप्पड़ नहीं कहलाएगा. लेकिन इतना लोग देखना चाहते हैं थप्पड़ के, जब वो बल्कि वो फ्रीज में नहीं था, रीकैप में दिखाया था कि थप्पड़ मारेगा, तो उस रीकैप की वजह से अगले हफ्ते लोग ऐसे बैठ के कि आज थप्पड़ पड़ेगा. आपको क्या ख्याल है इसकी वजह क्या है? आप राइटर हैं, आपकी इनसाइट है बहुत जबरदस्त किस्म की अवाम के दिमाग जहन के अंदर, और आपका क्या ख्याल है कि ये कौम क्यों पसंद करती है? चैनल्स भी ये कहते हैं कि जी अगर हाथ उठता है और जब तक पड़ता है उस वक्त तक हमारी रेटिंग कहीं से कहीं चली जाती है, इसकी क्या वजह है? ये बदल रहा है, क्योंकि अभी देखे ना, कुछ लोग हैं जो इस पर आवाज आप उठा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो पसंद नहीं करते. 10 साल पहले ये नहीं था, 20 साल पहले बिल्कुल भी नहीं. तो उम्मीद है कि अगले 20 सालों में ये रुझान बदल जाएगा, लेकिन ये बहुत पुराना चला आ रहा है. और ये सिर्फ औरत पर हाथ उठाने का नहीं है, ये जो आप देखे ना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि टीचर्स को हम अलाउ करते हैं, जी उस्ताद तो बाप की जगह होता है जितना मर्जी मारे, या बाप वो भाव रहे हैं कि देखता शेर की निगाह से है खलाना, मतलब उन चीजों को हमने अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया होता. शेर की निगाह से देखना कोई फखर की बात नहीं है किसी बाप के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. हमने उसको एक फखर की इलामत बना लिया होता. और उस्ताद को ये कहना कि आजी हड्डी भी आपकी तो बोटी भी आपकी, ये भी कोई फखर की बात नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत बुलंद चीज है. अब ये बदल रहा है कॉन्सेप्ट, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है हो जाएगा. उम्मीद रखनी चाहिए तो लोगों के नजरियात बदलेंगे. इससे पहले कि हम प्रेम गली की तरफ जाएं,
मुझे आप बताएं कि हमने बहुत से ड्रामों पे टच अपॉन किया है और बहुतों का जिक्र किया है, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? पर्सनल फेवरेट में देखिए होता यह है कि आपके कुछ बहुत से ड्रामे जो हिट हो गए हैं यकीनन वो भी फेवरेट होंगे, लेकिन जैसे माँ को होता है ना जो बच्चा सबसे नालायक रह जाता है, तो कोई डिसेबल होता है आपको वो बहुत अजीज होता है, तो चंद एक सीरियल्स का मैं उनका नाम लूंगी जो लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैंने वो लिखे हैं। अच्छा। या वो इतने मकबूल नहीं हो सके, डिस्कस रेटिंग आना तो एक अलग चीज है, डिस्कस नहीं हो सके, लोगों ने देखे नहीं, तो वो मुझे बहुत अजीज है क्योंकि हम जब वो एक ड्रामा एक बार बना लेते हैं वो दोबारा बनाना हमारे इख्तियार में नहीं होता, हमारे पास राइट्स नहीं है यहाँ। अच्छा। चैनल कभी चाहेगा तो कर सकेगा, मैं नहीं कर सकती उसको दोबारा। तो उसमें एक तो शायद है जो बहुत अच्छा। मेरे दिल के करीब, बहुत दिल के करीब था, अभी भी है। बाकी मैं आपको बताया ना कि और तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो तो आप जानती होंगी, रांझा रांझा कर दी को मैं अपने बिल्कुल, दिल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। दिल लगी है, आंगन है, बहुत सी चीजें हैं, दिया जले मेरा फर्स्ट सीरियल था, फर्स्ट ऑन एयर सीरियल जो बाबा ने किया था। उसके अलावा एक मैं सितारा है जो TV1 पर चला था, जो बहुत शायद कम लोगों ने देखा हो, वो मुझे पसंद है। बहुत से हैं, मुझे प्रेम गली बहुत पसंद है प्रेम गली बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली। अब आप प्रेम गली की तरफ आई गई हैं, प्रेम गली फायदा इतना जबरदस्त शुरू हुआ था और हमें इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि जी इतनी खूबसूरत दुनिया वो एक बनाई गई थी और वहां पे दो फैमिलीज और एक तलाक मंजिल और एक घर है जहाँ पे सारी खवातीन फौत हो जाती हैं, वो इतने मजेदार कैरेक्टर्स जो भी उस गली में रहते हैं, बेशक वो हिदायत चाचा हो या मतीन साहब हो, मतलब रियली रियली इंटरेस्टिंग। फिर ऐसा लगा, वही बात है कि 15 एपिसोड का जो कर्स था उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि रिपीटेशन शुरू हो गई। अब जिस तरह लुकमान चाचा का और मुसरत का ट्रैक है वो रिपीट रिपीट, वो शुरू से शक कर रहे हैं, वो 25वीं 25वीं एपिसोड तक वो शक किए जा रहे हैं। क्या इसको स्ट्रेच किया गया है, एक्सटेंड किया गया है? नहीं, वो ऐसा ही है जैसा मैंने लिखा, अगर वो स्ट्रेच लग रहा है तो फिर मेरी ही गलती होगी। बाकी मैं वो आपने जो बताया आलुकमान का, तो बड़े मजे की बात मुझे याद आई, आपके रिव्यू में देखा था जिसमें हसन शायद कह रहे थे कि बहुत अनोइंग करेक्टर है, बहुत अनोइंग। तो लुकमान है अनोइंग, क्या आपके आसपास एक आदमी होता है ना जिसकी सुई एक बात पे अड़ जाती है और वो 5 मिनट आपके साथ बैठे तो आपका दिल करता है किसी तरह यहाँ से उठकर चला जाए या मैं चला जाऊँ। वो है एक अनोइंग करेक्टर, और अगर आपको उसको देखकर ऐसा महसूस होता है तो फिर इसका मतलब है कि वो फरहत अब्दुल्ला की कामयाबी है कि उन्होंने उसको उतना सही मानों में एक लिचिड, क्योंकि हमारे यहाँ है ऐसे लोग जो एक ही बात बोले चले जाते हैं और उनको आप कुछ भी समझाना चाहें उनके दिमाग में बात नहीं बैठती, सुई अटक जाती है। वो कैरेक्टर ऐसा ही था और अभी इस एपिसोड में तो वो जो एक चीज थी वो खत्म हो गई, अगर आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें वो चीज खत्म हो गई। अब रहा उसका प्रेम गली, जैसा कि मैंने अभी आप कुछ देर पहले आपको बताया कि हमने दो चीजें चुननी होती, कहानी कहने के लिए होनी या अनहोनी, वो हमारी चॉइस है। तो मेरे पास चॉइस थी, मैं प्रेम गली में बहुत कुछ ऐसा दिखा सकती थी जो हर एपिसोड में लोगों को झंझोड़ता। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है आमना जहाँ बच्चों से ज्यादती का वाकया ना हुआ हो। प्रेम गली एक ऐसा मोहल्ला हो सकता था जहाँ ऐसा कोई वाकया हो। प्रेम गली में फरीद उसके ससुराल वाले जहेज ना लाने पे जिंदा जला सकते थे, लुकमान चाचा जो है वो हम ड्रग एडिक्ट दिखा सकते थे बीवी की वफात के बाद, जोया पे उसका ससुर बुरी नजर रख सकता था, मेरे पास चॉइस थी। लेकिन चूंकि ये आंगन के तसलसल में था, आंगन में भी हमने वो फैमिली चुनी जो सबकी फैमिली है, वरना फैमिलीज वो भी हैं जहाँ बेटे बाप को घर से निकाल देते हैं, भाई भाई को कत्ल करते हैं, हमारी सोसाइटी में है बाप ने लाने पर परवाश करने पर बच्चों को जहर दे, कि हमने वो फैमिली चुनी जो कम से कम सभी देखते हुए कहीं किसी को अपना आप कहीं ना किसी रूप में नजर आ जाए। तो प्रेम गली में बहुत आसान था मेरे पास बड़े वाकयात लाना, बड़ी सिचुएशंस लाना, लेकिन चूंकि ये पहले से तयशुदा था कि आंगन की तरह हम इसको सिंपल रखेंगे तो सिंपल ही रखने की कोशिश की, बड़ी चीजें नहीं लाई गई। ड्रैग हुआ तो वो यकीनन मेरी गलती होगी, लेकिन मुझे किसी ने यानी उस वक्त कहा नहीं, वरना मैं सब जानते हैं कि मैं बहुत इस मामले में कोऑपरेटिव हूँ, अगर मुझे एक्टर्स डायरेक्टर्स सब कह दें कि ये है, उस वक्त उनको नहीं फील हुआ। कवि साहब ये सब तो मुझे शूट से एक्चुअली फोन करते थे कि बहुत मजा आ रहा है सब कुछ,
और मेरा ख्याल है कि इतने सीनियर ये सब लोग हैं, शमीम बिल्कुल बिल्कुल, हिलाली नहीं, मजा तो वैसे अब बिल्कुल आ रहा है, सिर्फ ये पिछले कुछ, जी सॉरी, पिछले कुछ एपिसोड से ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा ड्रैग कर रहा है, लेकिन अब हमें उम्मीद ये है कि क्या मुसर्रत और लुकमान चाचू की सेटिंग होगी। हमने जो शुरू में देखा लगा कि सब खवातीन के सब मर्दों के साथ सेटिंग हो सकती है। हाँ वो सबने इन दादा नानी के भी बना लिए थी जी बिल्कुल, सेटिंग व्हाई वो नॉट। मैं थोड़ा सा देर मैंने लगाई लुकमान और मुसर्रत को एक करने में, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये ना दिखाऊं कि मुसर्रत की जिंदगी में खुशी एक मर्द की वजह से आई है। जी बिल्कुल वैसे ठीक आ है, भी राइट सकती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट आ भी सकती है कोई भी एक फर्द आपकी, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई कोई कुछ भी हो सकता है, किसी एक जी फर्द के आने से आपकी जिंदगी बिल्कुल जी पॉजिटिव चेंज आता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाह रही थी कि वो चेंज पहले आए, पॉजिटिव चेंज, उसमें मुसर्रत सचमुच मुसर्रत बन जाए और फिर और फिर बच जाए। उसको बिल्कुल, जी ये आपकी तो बात मुझे वो बड़ी एक अच्छी लगी किसी है, बिल्कुल ये आपने, ये मैं, तरह आई एम लुकिंग, काबिल होता है। हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस दिस ट्विस्ट। कासिम अली मुरीद डायरेक्टर हैं प्रेम गली के, और फरहान सईद हीरो हैं, और आपने अपनी डेब्यू फिल्म भी इसी टीम के साथ लिखी है गालबन, जी, फिल्म तो कुछ टिच पहले बटन हो के गई, बाद फिल्म फिल्म तो बन पहले चुकी लिखी है, थी। फिल्म पहले लिखी थी, फिल्म पहले आंगन के लिखी फौरन थी। बाद में, मैं अच्छा फरहान को तब नहीं जानती थी, फरहान से मेरी मुलाकात हुई तो मैं उन्होंने मेरा शायद कोई सीरियल भी नहीं किया था, उर्वा ने भी नहीं किया होता, तो मेरे लिए वो बिल्कुल अलग थे। लेकिन वो होता है ना कि कभी कभी पहली मुलाकात में आपके टिच बटन हो जाते हैं सारे, तो बिल्कुल बिल्कुल लोग एक जैसे मिजाज के निकले और हमें लगा कि हम सभी वही काम करना चाह रहे हैं मिलकर, तो फौरी तौर पर वो काम हो गया, स्क्रिप्ट भी, फिल्म भी, सब कुछ। प्रेम गली तो सिर्फ बाद में हुआ, जब वो लोग पढ़ते फिल्म की तो मैं प्रेम गली लिख रही थी। सिर्फ ये बता दें कि जो टिच बटन का वर्ड है ये किन कैरेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है इस फिल्म में, इसकी क्या अहमियत है टिच बटन के फैमिली फैमिली? फैमिली फैमिली ऐसा नहीं उसमें कि बाप, फरहान और ईमान टिच नहीं बटन है, फरहान और या फिरोज भी हो सकते हैं, हाँ ईमान इमान फैमिली फिरोज नहीं है, और उसकी मां मर जाए सोनिया टिच वो भी हो बटन सकती हैं, है। फरहान और सुहेल अहमद हो सकते हैं, फरहान और कवि हो सकते हैं, कवि हमारे हाँ एवरग्रीन दादा, इसमें भी दादा ही हैं, तो वो एक अच्छा पूरी एक फैमिली है जो टिच बटन हो जाती है। और ये इसमें टिच बटन आप अपनी मिट्टी का भी दिखा सकते हैं, अपने मिट्टी से मोहब्बत जो है वो भी है इसमें, क्या हम जुड़े हुए हैं इस मिट्टी से, इस कल्चर से, बहुत सी आपने चीजों देखी से ये है, रिलेट आपने करना। देखी है फिल्म फाइनल अपने उसपे, मैंने देखी है और आप सेटिस्फाइड हैं अपने का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ योर वर्क? जी, बहुत बेसब्री से हमें इंतजार है, बिकॉज बहुत कलरफुल, और जितने हमने टीजर जो देखे हैं उसमें बहुत रंग और बहुत अपलिफ्टिंग एक फैक्टर है कि देख के खुशी होती है, देख के अच्छा लगता है, तो बहुत सख्त इंतजार है। आप कह रही हैं कि आप अभी किसी नेक्स्ट अपने सीरियल पे काम नहीं कर रही? स्टार्ट नहीं किया अभी, बस 2-3 दिन पहले समझे कि एक चीज फाइनल हुई है, लेकिन ऐसी फाइनल बहुत दफा हुई है तो तो फायदा, आप किस चीज लेकिन से, क्या चीजें आपको इंस्पायर करती हैं? ये तो एक बहुत वाजे चीज है कि फैमिली वैल्यूज जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपने हर ड्रामे में एक फैमिली का जो यूनिट है उसकी सॉलिडारिटी और उसका सपोर्ट वो आपके लिए बहुत जरूरी है, हर ड्रामे में हमने देखा है, बेशक वो प्रेम गली हो या बंदे एक डोर से हो या इवन दिल लगी हो, बाबा जानी, मतलब ये सब ड्रामों में फैमिली यूनिट बहुत जरूरी है, मगर क्या चीजें आपको, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आती है? बहुत से लोग ये मुझे सॉरी आसपास पॉजिटिविटी देखना अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ मैं लोगों को भी ज्यादातर पॉजिटिव चीजें ही दिखाऊं, तो राइट उसका राइट मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एक हैप्पी 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 चीजें सब कुछ, मैंने बहुत फर्क मौजूदात पर भी लिखा है, लेकिन वो मैंने शुरू में लिख दिया 4-5 साल के बाद। अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखें तो पहले 5 सालों में मैंने वनी पर लिखा, मैंने कुरान से जो निकाह बच्चियों का कर दिया जाता है उस पर लिखा, चाइल्ड अब्यूज पर लिखा, चाइल्ड मैरिज पर लिखा, मैंने हिंदू मिथोलॉजी जो है उसपे सुधा की कथा लिखा, मुझे बहुत डार्क इसे कई तिश्नगी लिखा जिसमें लम्हा बलम्हा मौत की तरफ जाते हुए इंसान की कहानी, जब आपको पता है आपके पास 2 बच्चे रह गए हैं, चाइल्ड अब्यूज पर रोक था, इस तरह बहुत सी चीजें थी। मैंने मेंटल एक डिसऑर्डर है एराटोमिनिया उस पर लिखा था 2012 पे। लेकिन फिर एक फेज आता है ना आपका, आप जिसमें कंफर्टेबल हो लिखने को, एक राइटर का बिल्कुल एकदम बिल्कुल से मैंने इतने सीरियस टॉपिक से, मैं एकदम से आई थी असगरी अकबरी, एक नई सिंड्रेला और ऑन जारा पर, ये मेरा जी सेकेंड फेज, जी
राइट मैंने फैंटेसी लिखी थी, रोम कॉम लिखे थे, फिर मैंने अपना पहला जो इंटेंस लव स्टोरी थी वो शायद अपने करियर के 7वें 8वें साल में लिखी, दिल लगी। दिल लगी, राइट राइट और अभी पिछले 2-3 सालों से मेरा रुझान फैमिली और इस तरफ थोड़ा जी बिल्कुल लाइट बिल्कुल सोशल वैल्यूज पे है। हाँ जी, तो कुछ पता नहीं अभी और अगले साल मैं क्या लिखना चाहूँ, क्या सोचूं कि मैं मुझे इन टॉपिक्स पर लिखना है। और जिस तरफ आप एक फ्लो में जा रहे हो, मेरा ख्याल है वही लिखना चाहिए। अब अगर मुझे इस वक्त कोई कहे कि आप कोई मर्डर मिस्ट्री लिखते हैं तो मैं बेड़ा गर्क ही करूंगी, तो क्योंकि मेरा एक दिमाग उस तरफ जा रहा है। हाँ, तो जब मैं नई थी तो उन दिनों लव स्टोरीज का बहुत रुझान था, तो मुझे जो कहता था, मुझे लगता था मैं कभी लव स्टोरी नहीं लिख पाऊंगी, मुझे मगर बड़े आपने बड़े मसाइल। लिखी बिल्कुल। वो मैंने उन दिनों मुझे ये था, नहीं थकन लिखूंगी वर्किंग वुमेन के मसाइल पे, नहीं मोहब्बत पूछ रहा है तो लिखूंगी, वनी और हुमायूं जी सईद का उसमें 8 साल की बच्ची से निकाह दिखाया था, तो उस वक्त मेरे लिए ये चीजें मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो एक अब मैं राइटर जो की भी एवोल्यूशन है ना, एक किस्म की आपकी लाइफ के जी साथ साथ आपके इवॉल्व करता मूड है। है, जी जी बिल्कुल, आपका एक मूड है, आप उसमें फ्लो में बहते जाए तो बेहतर है। बिल्कुल उससे बिल्कुल हटकर किसी के प्रेशर में आकर फरमाइशी लिखेंगे जी तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, राइट। बस मेरे इतना। कंक्लूडिंग सवालों में से एक ये भी है कि वो प्रोसेस क्या है, क्या प्रोडक्शन हाउस कभी आपको आइडिया देता है या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं कि आए हम बात करते हैं कि कौन से ड्रामे या कैसी कहानियां लोग चाह रहे हैं देखना, कैसी कहानियों पे रेटिंग्स आएंगी, आए इन पे लिखें, या आप अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट करके प्रोडक्शन हाउस के पास उनको देती हैं कि ये मैंने लिख लिया आपको चाहिए कि नहीं, प्रोसेस नहीं, क्या कंप्लीट है? करके तो देने वाला तो कभी ऐसा नहीं हुआ कंप्लीट, जी क्योंकि वो अगर कम से कम मुझ पर छोड़ें तो मैं नहीं कर सकूंगी। मैं तो तभी लिखती हूँ जब बार बार फोन आते हैं कि अगली एपिसोड भेजें अगली भेजें, तो मैं तो इतनी राइट थका स्टार्ट। तो अगर मुझ पर ये छोड़ा जाए कि मैं पूरा कंप्लीट करके किसी को दूंगी तो मैं तो बहुत मजे से लेटी रहूंगी। बिल्कुल वो आइडियाज देते हैं, कभी हर बार ऐसा नहीं होता, वो आइडियाज दे देते हैं। स्टोरी मैंने कभी किसी की नहीं दी, आइडियाज आई मीन जैसे वो ये कह सकते हैं कि आप इस बार आप कोई ऐसी कहानी लिखें जिसमें जायदाद का कोई झगड़ा, वाल जैसे आंगन के लिए राइट मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि एक फैमिली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कहानी लिखें। राइट राइट अब कहानी क्या होगी वो मैंने सोचनी थी, मैं उसको ठीक बहुत है गंभीर बनाऊं या मैं उसको लाइट रखूं या मैं उसमें कोई जायदादों के झगड़े दिखाऊं, वो कहानी नहीं थी। आइडिया दिया गया था कि प्लीज एक ऐसी कोई कहानी ठीक लिखेंगे आप जिसमें ज्वाइंट फैमिली ठीक सिस्टम इस तरह की और बात थी बहुत लोगों ने पसंद किया उसे। जी। और आइडियाज भी दे देते हैं, मैंने सुना है बात, स्टोरीज भी वो, मैं मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे किसी ने कोई पूरी स्टोरी दी हो। राइट आइडियाज हम राइट डिस्कस भी करते हैं, जब करनी हो तो बहुत कई कई घंटों तक करते हैं, ना करनी हो तो नहीं भी करते। जैसे आंगन, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी से डिस्कस किया हो पहली सी मोहब्बत भी इसी तरह, मैंने सिर्फ उनको बताया था कि ये एंड, मेरे जहन में एंड आता है ज्यादातर, पहली सी मोहब्बत का एंड बताया था कि मैं एक ऐसी लव स्टोरी लिखना चाहती हूँ जिसका ये एंड होगा। मैं तो ना दिल पूछूंगी लगी था, आपसे एंड और ना आपने बताना है, मैं आपको नहीं बता रही हूँ लेकिन कि मैं उनको इस तरह से बताती हूँ, जैसे दिल लगी का मैंने जो लास्ट सीन था ना कि मोहब्बत के ये असूल हैं, ये सबसे पहले बिल्कुल लिखा गया था। हुमायूं को अच्छा मैंने भेजा अच्छा था, ये सीन पढ़िए, उन्होंने सीन पढ़ा, मैंने कहा लिखें, तो हाँ वो लास्ट एपिसोड का सेकंड लास्ट सीन था। जबरदस्त जबरदस्त मैं कहानी पीछे से शुरू करती हूँ जो बाद में जाती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसपे हम डायरेक्टर से स्क्रिप्ट में कोई डिपार्टमेंट में कोई है उनसे कंटेंट्स, जैसे सिग्मा में सनम है उनके साथ, नरीम बेग से, अली इमरान है इनसे, अलग से बहुत रही रांझा रांझा कर दी के दरमियान में जाकर, स्टार्ट में तो नहीं हुई, दरमियान में कुछ चीजें थी जो मैं उनसे डिस्कस किया, ये इससे करने से, तो आपको एक सेकंड ओपिनियन की अगर मैं ये चीज करूँ तो क्या इससे नूरी का कैरेक्टर जो है वो बहुत ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या रिएक्ट अब होगा मुझे उनका। नूरी के कैरेक्टर से याद आ रहा है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक सीन था उसमें, जिसमें हमने ऐसे देखा कि मैरिटल रेप दिखाया हुआ है कि भोला जो है, तो वो कितना मुश्किल था आपके लिए वो सीन लिखना? वो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हमने दिखाना है उसको, ग्लोरीफाई नहीं करना, मैंने कहीं बिल्कुल उसका अगर अस्मा अबास के जरिए मैंने ये कहलवाया कि जी ये जो है इस्लाम ने इजाजत दी, तो वो उसका जाती नजरिया था, मेरा नहीं, क्योंकि नूरी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल वो जी उसका था, उसका रिएक्शन मैंने पूरा दिखाया, नफरत भी दिखाई मैंने उसको उस चीज पर,
सबर के घूंट पीते नहीं दिखाया, सबर से नहीं तो रही तो है, लेकिन उसके दिल में जो एक नफरत और बगावत चली थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके बाद ही आई थी, उससे पहले बगावत नहीं थी, वो शायद साहिर की तरफ ना। तो ये छोटा सा, मैं बिटवीन द लाइंस आपको ये बताया था कि आप जबरदस्ती करेंगे तो औरत बागी होगी, आपसे नफरत ही करेगी, इस चीज का एक रिजल्ट है नफरत। बिल्कुल, तो वो उसके दिल में नफरत ही जागी थी ना भोला के लिए। मैंने ये तो नहीं दिखाया था कि वो बिल्कुल वो हवाओं में उड़ने लगे कि करना शुरू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। कंक्लूडिंग नोट पे फायजा, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी राइटर या किसी ड्रामे का राइटर प्ले राइट कैसे बनता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए, किस तरह हम प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच करें, मतलब अगर कोई लिखना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या कोई क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए, क्या कोई स्किल है? जाहिर बात है कहानी बताने का और बयान करने का स्किल होना चाहिए, शायद वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको, शायद जो जुबान है, लैंग्वेज है जिसमें आप लिख रहे हैं उस पे एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या उर्दू में लिख रहे हैं। आपके लिहाज से क्या कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए जो आपको एक अच्छा राइटर बना देते हैं? पहले तो ये कि आपका एक विजन होना चाहिए, आप खुद क्लियर हो अपने नजरियात में। अगर आप का अपना एक मखसूस नजरिया है, आप दूसरे नजरिए को एक्सेप्ट नहीं करते या कम अज कम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप एक सीरियल तो लिख सकते हैं क्योंकि उस एक सीरियल में आपने अपना नजरिया बयान कर दिया, लेकिन आप कभी दूसरी कहानी नहीं लिख सकेंगे। इससे मैंने बाबा जानी लिखा तो मैंने उसमें सौतेला बाप जो है बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सौतेले बाप सब अच्छे होते हैं, माशरे की बड़ी हकीकत जो है वो उड़ारी भी है, वो भी एक सच है, वो ज्यादा बड़ा तल सच है। जी जी तो दोनों चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। अगर आप ये समझ कर कर रहे हैं कि मर्द बेवफा होता है, मर्द जलील होता है, कि आपका इतना ही विजन है सिर्फ इतना, या ये कि बाहर निकलने वाली या तलाक लेने वाली औरत बुरी है, तो फिर आप अगर आप महदूद सोच के मालिक हैं, आप कभी अच्छे राइटर नहीं। राइट, बिल्कुल, हर तरह के लिए अपना दरवाजा, जहन, दिमाग खुला रखना चाहिए, फिर ही आप मुख्तलिफ कहानियां लिख सकते हैं। और जहां तक ये बात है, तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें जो है वो सीखने से आ जाती हैं। सीखने भी नहीं, अगर आप स्क्रिप्ट्स पढ़ लें, देख लें, आजकल तो गूगल पर आ जाती हैं हर चीज सब कुछ, तो वो टेक्निकल आ जाती है, लेकिन ये कुछ नेचुरल भी होता है, गॉड गिफ्टेड भी होता है, हर कोई स्टोरी टेलर नहीं। बिल्कुल, जैसे अगर मैं लिख सकती हूँ ड्रामे, तो आप मुझसे ये उम्मीद रखें कि मैं शायरी भी कर लूंगी, तो मैं मर के भी नहीं कर सकती, मैं दो काफियां नहीं मिला सकती तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो वो गॉड गिफ्ट है। मैं पढ़ती हूँ शायरी, मैं हमेशा से पढ़ती आ रही हूँ, मुझे जुनून की हद तक है, लेकिन इतना पढ़ने के बावजूद मैं एक शेर नहीं कह सकती। तो ये चीज फिर थोड़ा गॉड गिफ्टेड कहलाती है कि सिर्फ पढ़ कर स्क्रिप्ट तब भी नहीं आप लिख सकते, लेकिन जरूरी है आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीजें सीखना। राइट राइट, स्क्रिप्ट की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कट कहाँ होना, ये चीजें, लेकिन उसके लिए पहले आपका राइटर होना जरूरी है। अगर आप राइटर जरूरी है, तो स्टोरी टेलर अच्छा होना जरूरी है। जी, स्टोरी टेलर होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, आपका कोई जहन खुला होना चाहिए हर तरह के ख्याल के लिए। आपको खुद फायजा, अब ये मेरा आखिरी सवाल है, मैं हर सवाल पे ये कहती हूँ आखिरी सवाल, आपको खुद क्या देखना अच्छा लगता है, नेटफ्लिक्स पे या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर? आपने आखिरी क्या फिल्म देखी या ड्रामा सीरियल देखा या वेब सीरीज देखी, मतलब आप खुद क्या देखती हैं शौक से? अच्छा, वेब से मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो मैंने अभी एक वेब सीरीज थी स्कैम 91 कुछ, हर्षद मेहता रियल स्टोरी कुछ, बहुत उसके रिव्यूज अच्छे आए थे। किसके और नाम, उसकी मैंने कैच नहीं किया, सॉरी, नाम क्या था? हर्षद मेहता रियल स्टोरी कुछ स्टॉक मार्केट की थी, लेकिन मैंने उसकी रेटिंग चेक करके कुछ पढ़ती हूँ, तो वो 8.9 थी, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। अच्छा, मैंने फलां फलां एक वेब सीरीज देखी थी, उसकी तो इतनी रेटिंग नहीं थी, मैं ये देखती हूँ। अब पहली तो मैंने इस शोक में देखी कि अगली अच्छी होगी, दूसरी मैंने दो तीन बार बंद करके देखी, मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन उसका मतलब अपना कहीं से ये नहीं है कि वो बुरी होगी। राइट, तो मेरे मिजाज की नहीं थी, मुझे स्टॉक एक्सचेंज की चीजें पसंद नहीं आई। इसी तरह अर्तुगरुल है, बहुत तारीफें करते हैं लोग, बहुत समझदार जो इस फिल्म को जानते हैं, टीवी को जानते हैं, ड्रामा मेकिंग को जानते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उसका स्क्रिप्ट बहुत मजबूत है, हिलने नहीं देता, मुझसे नहीं देता, वो बुरा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल, वो बिल्कुल। मेरे मिजाज का है। तो आपके मिजाज पे क्या उतरता है?
मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, इस चीज से मुझे बड़ी तसल्ली होती है जब कोई कहता है ना आपका फलान ड्रामा अच्छा नहीं है, तो मैं सोचती हूँ इतनी अच्छी चीज मुझे भी तो अच्छी नहीं लगी, तो मेरी भी इतनी हाँ अच्छी लिखी हुई चीज इनको अच्छी नहीं बिल्कुल लगी। बिल्कुल. हम राय को रिस्पेक्ट देना चाहिए दूसरे की राय को, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो जी ये जी आपका, बिल्कुल तो बिल्कुल. मुझे क्या अच्छा लगा, बड़ी अजीब सी बात है, मैं अगर हर साल देखू ना कि मुझे इस साल ये 5 फिल्में पसंद आई, तो इनमें से 4 वो होती हैं जो सुपर फ्लॉप होती हैं, जो चलती ही उछल जाती हैं मसलन उनकी। मिसाल दे मुझे, मिसाल दे मुझे. मुझे पिछले 1-2 सालों में जो 1-2 फिल्में अच्छी लगी उनमें एक लैला मजनू थी। अच्छा अब जैसे लोग कहते हैं जी फलान ड्रामा तो बड़ा प्रेडिक्टेबल है, मुझे बताएं लैला मजनू में क्या है जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन आप सब कुछ बन जाते प्रिडिक्टेबल हैं है. हाँ लव स्टोरी प्रेडिक्टेबल, बल्कि अच्छे ड्रामे की ये खूबी है ही नहीं कि वो प्रेडिक्टेबल ना हो। अनलेस हम के आपकी मर्डर जो, मिस्ट्री है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या पॉट ड्रामा जी है, आप हर डिकेड की जो सुपर हिट फिल्में ड्रामे वेब सीरीज निकालें वो बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स पर होते हैं, यानी कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने वो नॉवेल पढ़ा होता है, पढ़ा होता है. उसके बाद जी सिनेमा में जाते हैं, उन्हें पता होता है क्या क्या होने वाला है। तो अगर कोई ये कहे ना जी आपकी तो ये ड्रामा देख के हमें पता है आगे क्या होगा, तो ठीक है पता है, आप ये देखें वो कर कैसे रहे, सिर्फ ये हाँ. मेरे पसंदीदा ड्रामे के लिए फिल्म के लिए सिर्फ ये है जो आपके दिल को छू ले, जिसमें मगर फील आपने आए। मुझे जवाब नहीं दिया कि आपकी अपनी फेवरेट्स हैं कौन सी फिल्में अभी या रिसेंटली ड्रामे. मैंने रकीब से देखा है, मुझे उसकी अच्छा. पहली किस्त बहुत अच्छी लगी, मुझे पिछले, मुझे अब असल में ना बिल्कुल मेरी शायद बिल्कुल करीब के देखे हुए याद ना आए तो मैं थोड़ा पुराना बता देती हूँ। संगे मरमर बहुत पसंद आया था, डर सी जाती है सिला बहुत अच्छा लगा बिल्कुल था, आखिरी बिल्कुल. था उल्लू बराए फरोख्त नहीं था, इनकार था, बहुत सी चीजें सब हैं, इशू इशू इमोशनल मतलब बेस्ड. जी बड़े बड़े डीप ड्रामे हैं थोड़े, सारे. क्योंकि अभी आई इश्यू बेस्ड रहे हैं ना, कोई और आ रहे हो तो शायद बिल्कुल वो भी मुझे बिल्कुल पसंद आ बिल्कुल जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल. सिर्फ इश्यू बेस्ड देखती हूँ, लेकिन ये चीजें थी जो मुझे पसंद आई इनमें सब में। अगर एक मुश्तरका चीज आप देखें वो सिंपलिसिटी है, सिंपल कट, मुझे शायद बिल्कुल. ये चीज पसंद आती है, बहुत कहानी को उलझा दिया गया हो और सिर्फ एक अच्छा फीज लाने के लिए, लोगों को झटका देने के लिए हर एपिसोड में कहीं तेजाब गिर रहा है, कहीं कत्ल जी हो रही, जी मुझे अच्छी वो नहीं नहीं लगती। मैं था. चाहता स्टोरी जी यहाँ फ्लो के साथ एक बह रही है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ट्विस्ट एंड टर्स देखने, मुझे एक्सप्रेशंस देखने हैं, मुझे फील चाहिए, मुझे उसका जी दर्द महसूस करना है किसी करेक्टर का देखते हुए, मुझे उसकी मुस्कुराहट भी महसूस करनी है, मुझे बिल्कुल. इससे कोई लेना देना नहीं कि उसकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी में पिछले 10-12 साल से कोई बड़ा वाक्य नहीं हुआ। हम ऐसे ही हैं, आपके भी ऐसे ठीक है ही है ना, लोग आम बिल्कुल इंसान सही नहीं है, है. हम लोगों बड़ा हुआ होता है पिछले कुछ सालों में। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप फायजा. ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच. हमने बहुत सारी बातें की, बाद में मुझे ख्याल आएगा कुछ रह गया है, होप ऐसा ना हो. लेकिन आपके ड्रामों की, वाकई आपकी आपकी राइटिंग की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आपने जो एग्जैक्टली शुक्रिया। बातें कही कि एक सिंप्लिसिटी है, फैमिली वैल्यूज हैं, अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखा रहे हैं उसको ग्लोरीफाई मत करें, एग्जीक्यूशन है, अनप्रिडिक्टेबल स्टोरीज नहीं होती, एग्जीक्यूशन होती है. और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत जेनरसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली स्टोरीज को ड्रैग होने की. मेरे ख्याल है आपने अपने साथ थोड़ी ज्यादती की है, मैं नहीं मानती इस बात को. क्यों? मैंने कहा लेकिन ना, ठीक मैंने है. तो आपसे कहा कि चैनल्स का है, नहीं मैंने तो पहले नंबर पे आपको बताया कि चैनल्स का है, लेकिन मेरे साथ है, मैंने बेशक होता होगा कि अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है, बहुत सी राइटर्स ये बताती हैं कि उनके साथ ये हुआ, खुद से ऐड हो गया, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मेरी कहानी को बिल्कुल बदल कर, एक दो एडिशनल आ जाते हैं सीन, अगर वो एक दो आ गए हैं, मैंने 400-500 सीन लिखे हैं तो उस पर मेरा ख्याल है कि इतना नहीं मैं कर सकती, 2-4 बार मेरे साथ भी हुआ, लेकिन वो 7-8 साल पुरानी बात है, उसका जिक्र क्या करना अभी तो कुछ फायदा भी। क्या, आपने वो सारे फ्लैशबैक्स लिखे थे बंदे एक डोर में, और सारे साउंडट्रैक जब जब चलता था. नहीं साउंड ट्रैक तो जाहिर है मैंने नहीं लिखा, साउंड ट्रैक तो मैंने ही डालती ना, मैं अभी अंजुम से पहली किस्त देख के मैंने कहा था अंजुम शुक्र है अल्लाह का आपने वो ठीक है गाना बहुत अच्छा बन गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने बार बार वो पी 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 पीछे बजाई नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद जहां हाँ जरूरत थी वहां मिली, तो मुझे बिल्कुल इसकी बहुत बिल्कुल. अच्छी, और फ्लैशबैक्स जाहिर है मैंने नहीं लिखे, एक दो लिखे थे मैंने, वो लिखे हैं फ्लैशबैक जो नए थे, यानी जो आप रिपीट नहीं जी हुए कुछ बचपन के जी शादी से पहले,
चीजें, वो जो रिपीट हो रहे हैं वो मैंने नहीं लिखे ज्यादातर। बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है फायजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और हसन गो के लाहौर में आपसे पर्सनली मिलना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं तो ये इंटरव्यू कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ इंटरनेट ने भी साथ दिया कि अनस्टेबल कनेक्शन नहीं हुआ। आई होप के लोगों को बहुत इंसाइट, आई होप नहीं, आई एम श्योर उनको मिली होगी, और वे लुकिंग फॉरवर्ड टू पहली सी मोहब्बत, किस तरह वो आगे चलती है कहानी, और थोड़ी बहुत जो मुझे लोगों को है कि थोड़ा हौसला रखें, आगे आपको जवाब मिलते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल जागना बहुत अच्छी बात है, और मैं लोगों को, चूंकि आपने प्लेटफॉर्म दिया, एक सिर्फ छोटा सा मैसेज दूंगी कि हमने जब चीज बनाई जाती है तो पब्लिक के सामने रख देते हैं जी, और तनकीद मुझे बुरी नहीं लगती, क्योंकि तनकीद आप मेरे घर में घुसकर ये नहीं कर रहे कि आपने बाल ये क्यों बनाए, आपने ये कलर क्यों, अपने काम पे कर रहे, आपका हक है, मेरे मुझ पे फर्ज नहीं है, ना आप पे फर्ज नहीं है कि आप मेरी हर चीज को पसंद करें, लेकिन बिल्कुल मुझ पर भी फर्ज नहीं है कि मैं आपकी तनकीद पर या आपके मशवरों पर अमल करते हुए अपना राइटिंग स्टाइल चेंज करूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप थोड़ा सा, जैसे मैं आपको राइट देती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी तनकीद की, आप दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट देना सीखें प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ इतना सा मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगी। बिल्कुल सही है फायदा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और अल्लाह करे आप लिखती रहें और हम आपके ड्रामे जो हैं वो जबरदस्त तरीके से देखते रहें, और हमारी दोबारा बातचीत होगी जब इंशाल्लाह अगला ड्रामा या फिर टिच पटन जो आएगा, तो टिच पटन पर होगी, ड्रामा बहुत दूर है अभी। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हाफिज़।